दहिसर मलयाली समाज द्वारा LIC कप वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। यह आयोजन रविवार की सुबह 9 बजे किया गया, जिसमें महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों से करीबन 12 टीम इस भव्य वॉलीबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पहुंचे, जिसमें खास तौर पर मुंबई, पुणे और नवी मुंबई से अधिकतर टीमों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दहिसर मलयाली समाज द्वारा LIC कप वॉलीबॉल टूर्नामेंट का यह 4वां वर्ष रहा, जिसमें वॉलीबॉल को एक अच्छी पहचान देने के लिए और क्रिकेट की ही तरह इसे भी लोगों के बीच एक नई पहचान बनाने के लिए इस मुहिम की कोशिश इस समाज द्वारा पिछले 4 सालों में की जा रही है। दहिसर मलयालम समाज द्वारा LIC कप वॉलीबॉल टूर्नामेंट का यह 4वां वर्ष रहा, जिसमें वॉलीबॉल को एक अच्छी पहचान देने के लिए और क्रिकेट की तरह ही इसे भी लोगों के बीच एक नई पहचान बनाने के लिए इस मुहिम की कोशिश पिछले 4 सालों में की जा रही है। वही जब मेट्रो मुंबई की टीम ने दहिसर मलयाली समाज के सदस्यों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि वॉलीबॉल को भी क्रिकेट की तरह भारत वर्ष में मशहूर बनाना है। समाज हम पिछला 30 साल से हम सोशल वर्क करना रहे ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलने वाला, ये वॉलीबॉल टीम को सपोर्ट करने के लिए ये प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं। पिछले 4वां सीज़न है, 4 साल से हम लोग कर रहे हैं, आगे इसे भी बड़ा पैमाने पर करने का हमारा इरादा है। इसके लिए LIC, कल्याण ज्वेल्स इत्यादि सपोर्ट हमको सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए हम ऐसा प्रोग्राम कर सकें, हम आगे भी ऐसा प्रोग्राम करने का इरादा है। मेरा नाम नितिन वैगणकर है, ब्रांच मैनेजर सेल्स 91 वी ब्रांच LIC ऑफ इंडिया। एक्चुअली दहिसर मलयाली समाज जो है वो स्पोर्ट्स के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और वॉलीबॉल जैसा गेम्स जो है इसको भी उतना ही इम्पोर्टेंट मिलना चाहिए कि बहुत बढ़िया गेम है और उस गेम को LIC भी स्पॉन्सर कर रही है। LIC की तरफ से स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड LIC स्पॉन्सर्ड वॉलीबॉल टूर्नामेंट 4th सीज़न चालू है एंड LIC ऑलवेज सपोर्टिंग अस एंड वी एज अ ऑर्गेनाइजेशन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन वी आर कीन इंटरेस्ट टू प्रमोट वॉलीबॉल टूर्नामेंट्स इन महाराष्ट्र। So this is the 4th season and we have 12 teams for this season tournament. ये season volleyball tournament में महाराष्ट्र से बहुत जगह से teams आया है, almost 12 teams from Mumbai, Thane and Navi Mumbai. Next time we are expecting this tournament has to be extended to entire Maharashtra. So that is what the Dahisar Malayali Samajam is wishing and LIC is, we continue to think of that LIC will always be support us. My name is Anand. I have been working with this Malayali Samajam for the last almost 30 years. I am one of the founder members of the Samajam. Our Samajam started in the year 1990 and about 5 years ago we have completed our Silver Jubilee. And it's a socio-cultural organization and we have been doing a lot of social activities like we have helped in various kinds of like in flood related things. Recently in Kerala we had a big flood and all, and we have helped them by giving a lot of food materials, sending food materials and help them in various ways. And we have been everywhere conducting this volleyball tournament. अब देखना यह है कि दहिसर मलयाली समाज के सदस्यों की कोशिश और वॉलीबॉल को कितनी बुलंदियों पर और कब ले जाती है।